हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए हम छत्तीसगढ़ के भूगोल को देख लेते हैं जो आने वाले सीजीपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी को समझने से पहले एक बार हम जो है मैप को अच्छे से समझ लेते हैं छत्तीसगढ़ के, ताकि हमें जो है चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि कौन सी जगह पे कौन सा जिला है। ठीक है, तो जब हम कृषि मिट्टी ये चीज़ें पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारी पृथ्वी है। आपको पता है कि पृथ्वी है गोल। ठीक है, पृथ्वी को दो रेखाओं में बांटा गया, एक तो इस तरह से बांटा गया, इसको बोलते हैं अक्षांशी रेखा। ठीक है, लैटिट्यूड। ठीक है, एक है इस तरह से, ये है आपकी देशांतरी रेखा, इसको बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो अक्षांशी रेखा यहाँ 0 डिग्री है और देशांतरी रेखा भी 0 डिग्री है। ठीक है, और अक्षांशी रेखा के पैरेलल रेखाएं खींची जाती है इस तरह से। ठीक है, पैरेलल रेखाएं होती है जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक की रेखाएं खींची गई है। ठीक है, नीचे भी वही है 1 डिग्री, जो ऊपर वाली जो है ना ये, इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, और नीचे जो रेखाएं खींची गई है वो होती है आपकी दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो यहाँ भी 1 डिग्री, 2 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की 90 रेखाएं खींची गई है। 90 रेखाएं, 90 डिग्री मतलब इसको बोला जाता है, और 90 रेखाएं जो है इसमें खींची गई है। ठीक है, एक होता है आपका देशांतरी रेखा इस तरह से, ये भी 0 होता है, ये है आपकी देशांतरी रेखा। ठीक है, ये रेखाएं जो है इसके पैरेलल होती है इस तरह से। ठीक है, और ये जो है 180 इशारों के लिए, ये ईस्ट है पूर्व में और ये वेस्ट पश्चिम में। ठीक है, तो 180 जो है पूर्व में और 180 जो है आपके पश्चिम में, तो ये होता है पूर्वी देशांतर बोला जाता है, इसको याद रखिएगा, पूर्वी देशांतर, और ये है आपका पश्चिमी देशांतर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और ये है आपका अक्षांश होती है ये, तो ये है आपका उत्तरी अक्षांश, ये है आपके दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, यहाँ से 1, 2, 3 करके पूरा 180 डिग्री तक की जो है आपकी रेखाएं खींची गई है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ आ जाए आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि अर्थ में, ठीक है, ये तो अर्थ में जो ये है आपका ईस्ट है मतलब पूर्व है। ठीक है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट में जो है, नॉर्थ ईस्ट में आपका इंडिया है, तो छत्तीसगढ़ भी आपके कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में होगा। ठीक है, तो देखिए इसकी स्थिति देख लेते हैं हम, जो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, भारत की नहीं, छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो जो अक्षांशी रेखा है ना, ये अक्षांश नॉर्थ उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो यहाँ से जो लाइन ऐसी गई है, ठीक है, तो 17वें नंबर वाली जो लाइन है कौन सा होगा, 17 डिग्री। ठीक है, और उससे थोड़ी सी आगे मतलब 70 डिग्री 46 मिनट बोला जाता है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश से अब यहाँ से लेके ये कौन सी लाइन में, 24 वाली लाइन में। ठीक है, 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब 17 से 24 वाली रेखा के बीच, इसके बीच जो है आपका छत्तीसगढ़ स्थित है, किसमें, अक्षांश में। ठीक है, ये है आपका उत्तरी अक्षांश में। अब देशांतर में अगर बोला जाए तो देखो ये वाली एक लाइन यहाँ है कि छत्तीसगढ़ का बता रही हूँ मैं, एक लाइन यहाँ है कि जो 80 डिग्री वाला है, 180 तक है यहाँ पे, तो जो 80 नंबर की जो लाइन है 80 डिग्री वाली, ठीक है, 80 डिग्री 50 मिनट, ठीक है, पूर्व में है ना, तो ये होगा पूर्वी देशांतर। ठीक है, याद रखिएगा पूर्वी देशांतर। तो 80 डिग्री से कौन सी लाइन, 4 और कर दीजिए 84 डिग्री के बीच। ठीक है, इनके बीच जो है 84 25 मिनट, जो छोटी छोटी और होती है उसको जोड़ा जाता है तो 25 मिनट। ठीक है, तो 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो है आपकी रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अक्षांश में कितना है, कि 17 डिग्री से
46 मिनट और 24 डिग्री 5 मिनट तक की रेखा है, और इधर देशांतर जो उत्तरी देशांतर नॉर्थ है और देशांतर रेखा है तो आपका 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में आपका छत्तीसगढ़ स्थित है। ठीक है, अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जिले को देख लेते हैं। अब इतना तो समझ आ गया कि स्थिति कहाँ है इसकी, तो हम जिले को देख लेते हैं। तो हम जिले को हम कैसे बनाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा मैप, इस तरह आढ़ा मेढ़ा अगर आप मैप देखेंगे, जो मैप होता है उसमें आपको समझ नहीं आएगा तो आप इसमें देखिए। ठीक है, तो मैं जो बताते जा रही वैसे ही आप मैप बनाइएगा, इस तरह से बना लीजिए ताकि आपको चीजें 2-3 बार आप इसको बनाएंगे तो आसानी से ये चीजें बन जाएगी। ठीक है, देखो हमारे इसमें छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है, 5 संभाग है। ठीक है, तो मैं पहले लेती हूँ आपका, ये है आपका बस्तर संभाग, एक लाइन खींचिए। ठीक है, ये यहाँ से एक लाइन खींचिए और यहाँ एक लाइन खींचिए। ठीक है, तो ये है बस्तर संभाग, यहाँ एक लाइन खींचना, ये आपका दुर्ग संभाग, ये है रायपुर। ठीक है, और ये क्या है, बिलासपुर, और ये है सरगुजा संभाग। ठीक है, इतना तो आपको पता हो गया कि 5 संभाग हो गए। अब देखिए कलर चेंज कर देते हैं, अब देखिए कि जो बस्तर संभाग है उसमें 7 जिले आते हैं। ठीक है, तो 7 जिलों में आप याद रखिए, यहां से खींचिए, मैं जिले बता रही हूँ, यहां से एक लाइन इस तरह से क्लिक खींचिएगा। ठीक है, एक इधर ऐसे खींचिएगा। ठीक है, अब एक इधर ये खींचिए, इतना समझ आ गया। तो यहाँ पे है आपका कांकेर है। ठीक है, क्या है, कांकेर है, यहाँ आपका नारायण पुर है। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन यहाँ खींचिएगा इस तरह से, ये, और यहाँ पे एक लाइन इस तरह से। ठीक है, इतना समझ आया। तो यहाँ पे आपका क्या है, बीजापुर, यहाँ पे है दंतेवाड़ा, और यहाँ पे है आपका सुकमा। ठीक है, अब देखिए जो दंतेवाड़ा है, ठीक है, और जो बीजापुर है उनके बीच एक लाइन इस तरह से आप खींच दीजिए, इस तरह से। ठीक है, ये आपका है क्या, बस्तर, और ये है आपका कोंडागांव। ठीक है, ये क्या है आपका, कोंडागांव। क्लियर है इतना, तो ये हो गया आपका 7 जिले जो है बस्तर के हैं। अब हम आते हैं दुर्ग संभाग में, 5 जिले हैं। ठीक है, तो दुर्ग संभाग में 5 जिले कैसे, एक लाइन यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक लाइन यहाँ पे खींचिए इस तरह से, और यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका क्या, कवर्धा। ठीक है, ये है राजनांदगांव। ठीक है, अब ये कांकेर और राजनांदगांव के इस लाइन के बीच में इस तरह से एक लाइन यूं क्लिक खींचिए और यहाँ पे खींचिए, ये है आपका बेमेतरा। ठीक है, ये है आपका दुर्ग, और ये है आपका बालोद। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींचिए ऐसे, ये है रायपुर संभाग, रायपुर संभाग में भी आते हैं, और यहाँ से एक लाइन इसको टच करते हुए खींचना है। ठीक है, इसको टच करते हुए ये। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये बेमेतरा है और दुर्ग है, उसके बीच में आप एक लाइन और खींचिए। ठीक है, ये है आपका क्या, बलौदा बाजार। ठीक है, ये है आपका रायपुर, और ये है धमतरी। ठीक है, अब इनके बीच में एक लाइन खींचिएगा यहाँ पे, ये है महासमुंद। ठीक है, क्या है, महासमुंद, और ये है आपका गरिया बंद। ठीक है, गरिया बंद। अब ये हो गया 7 जिला बस्तर का हो गया, 5 जिला दुर्ग का हो गया, और 5 जिला आपका रायपुर का हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा। अब देखिए, अब हम आते हैं बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में जो बलौदा बाजार है उसे कोरबा को छोड़ के सारे जिले जो है टच होते हैं। ठीक है, तो आप जो लाइन खींचिए ये बलौदा बाजार से टच कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप बलौदा बाजार से यूं टच कीजिए, यहाँ पे एक लाइन ये खींचिए इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका मुंगेली, यहाँ पे है बिलासपुर। ठीक है, यहाँ पे है आपका कोरबा, यहाँ पे है आपका जांजगीर चांपा, और यहाँ पे है आपका रायगढ़। ठीक है, ये हो गया आपका बिलासपुर का 5 जिला। ठीक है, अब यहाँ से लेके इस तरह से यहाँ पे इसे लाइन क्लिक कीजिए, और यहाँ एक लाइन ऐसे खींचिए, और यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये वाली लाइन, एक मिनट,
इस तरह से यहाँ पे ये कीजिए, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको करना है क्या, ये है आपका कोरिया, आप मेरे साथ अगर बनाना चाहे बनाते रहिए। ये है आपका सूरजपुर, यहाँ पे है आपका बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर। और यहाँ एक लाइन और खींच दीजिएगा, ये है आपका जसपुर और ये है आपका सॉरी ये है आपका सरगुजा और ये है आपका जसपुर, ठीक है। ये हो गया जो है आपके सरगुजा संभाग में ना, क्लियर हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा कि जिले कौन कौन से हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि राज्य कौन कौन से टच हो रहे हैं, ठीक है। तो राज्य में यहाँ सुकमा पे एक यू लाइन खींचिए, सुकमा के आसपास ये, ठीक है। राजनांदगांव के बीच में एक लाइन खींचिएगा ऐसे, बलरामपुर से एक लाइन खींचिएगा ऐसे और जसपुर में इस तरह से, ठीक है। तो जसपुर के ये जो नीचे है, ठीक है, ये कौन सा है आपका, उड़ीसा, क्या है, उड़ीसा, ठीक है। ये वाला जो है आपका है झारखंड, ठीक है। यहाँ पे है आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पे है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये जो है आपका है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। यहाँ पे है आपका, यहाँ एक लाइन बीजापुर से और खींच लीजिएगा ये, ठीक है। ये है आपका तेलंगाना, ये है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये है कितने जिले के, सात राज्य जो है आपके छत्तीसगढ़ से टच करते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, तो चलिए हम, आपको समझ में आ गया ना ये, तो चलिए हम जो है आगे देख लेते हैं। और आपको ये मैप जो बना है वो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए जो उड़ीसा है, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा बनाती है, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो छत्तीसगढ़ से टच होता है वो है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। लेकिन सबसे लंबी सीमा जो है उड़ीसा बनाती है, और ये जो है आठ जिले से होकर जो है उड़ीसा राज्य जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये है आपका जसपुर से जुड़ा हुआ है, ये है रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी भी आपका जो है उड़ीसा से है, थोड़ा सा टच होता है इसका, बहुत थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। और कोंडागांव, बस्तर और सुकमा जो है आपके उड़ीसा से टच होते हैं, आठ जिले, ठीक है। और सबसे कम जिला जो है आपका आंध्र प्रदेश और यूपी से बलराम, और सबसे कम अगर पूछे तो आंध्र प्रदेश, सीमा में जो है सबसे कम जो सीमा जो है आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ की टच होती है, जो दक्षिण में है, सबसे दक्षिण में है, ठीक है। आपको ये समझ, और आपको ये चीजें भी समझ आ गई होगी कि कहाँ से कहाँ तक है, तो 17 डिग्री 46 मिनट से 24.5 मिनट तक, यहाँ से 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट तक जो है छत्तीसगढ़ का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, ठीक है। अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, पांच संभाग है, ठीक है। अब हम जो है इसके कुछ फैक्ट वाली चीजें देख लेते हैं, ठीक। अब जो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से समझ में आ जाएगा। उत्तर पूर्व भारत में स्थित है आपका छत्तीसगढ़, अक्षांशीय स्थिति हमने बताया था 17 डिग्री 46 मिनट उत्तर अक्षांश से, ध्यान रखिएगा उत्तर, वहां पे दक्षिण, उत्तर, नॉर्थ, पूर्वी ये सब दिया रहता है, तो आप उत्तर याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरी में 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। क्षेत्रफल बोला जाए तो 135,191 है ये, ठीक है। देखिए कहीं कहीं पे 135,192 ये दिया, लेकिन मैंने इसको हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से लिया हुआ है, तो यही एक्यूरेट मान के चलिएगा। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 135,191 वर्ग किलोमीटर, और ये भारत का में 10वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और पूरे भारत का ये जो है छत्तीसगढ़ 4.811% है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल परसेंट में। सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है, तो राजनांदगांव, आपको लोकेशन याद होगा। सबसे छोटा जिला बोला जाए तो दुर्ग। अब देखिए छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं, हमने बोला सात राज्य स्पर्श करते हैं, तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन करता है, तो मध्य प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य है आपका झारखंड, जो छत्तीसगढ़ को टच करता है। सबसे लंबी सीमा उड़ीसा के साथ बनती है, और सबसे छोटी सीमा जो है आपके आंध्र प्रदेश के साथ
बनता है, बनाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में लैंड लॉक्ड जिला जो है वो 9 है। अब ये लैंड लॉक्ड जिला क्या होता है? वो जिले होते हैं जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करते। ठीक है, राज्य को स्पर्श नहीं करते, तो 9 जिले जो है वो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करते। तो 27 में 9 जिले नहीं करते, तो कितने जिले जो है राज्य में स्पर्श करते हैं, बाहर है, तो 18 जिला। ठीक है, अब देख लेते हैं ये 9 जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको मैप में ही देख लेते हैं। ये देखिए, देखिए जो नहीं करते राज्य को, तो एक है आपका, ये है सरगुजा, आपको दिख रहा हुआ एक, ये है आपका कोरबा, ये भी आप किसी राज्य को टच नहीं करता है। जांजगीर चांपा भी किसी राज्य को टच नहीं कर रहा है। बेमेतरा है, बलौदा बाजार है, ठीक है, रायपुर है, दुर्ग है और बालोद है। ठीक है, यहाँ से हो गए आपके 8 जिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, 8 जिले यहाँ हो गए। और एक जो ये दंतेवाड़ा आपको दिख रहा होगा, ये भी जो है किसी भी राज्य को टच नहीं करता। ध्यान रखिए, धमतरी का थोड़ा सा हिस्सा जो है आपके उड़ीसा को टच कर रहा है, तो धमतरी इसमें नहीं आएगा। तो 9 जिले जो ऐसे हैं जो क्या करते हैं, राज्य को टच नहीं करते, मतलब ये लैंडलॉक, या इसी को भू आवेष्टित जिला के नाम से भी बोला जाता है। क्वेश्चन में आएगा कि कितने भू आवेष्टित जिला है, या इनमें से कौन है जो भू आवेष्टित है, कौन नहीं है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए, तो वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।